हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सरोज सालोर और गुड आफ्टरनून। अभी बज रखे हैं दोपहर के दो, तो अभी मैं व्लॉग स्टार्ट करूंगी 2 बजे। और आप लोगों के लिए स्पेशल व्लॉग है होने वाला है ये, क्योंकि राजस्थान ड्रेस पे है ये कि राजस्थानी ड्रेस किस तरीके की होती है, क्या होती है, उसका लुक कैसा आता है, किस तरीके का आता है, कितनी प्यारी लगती है वो ड्रेस। तो बहुत प्यारी लगती है, जो कि मेरी तो फेवरेट है, मेरे को बहुत अच्छी लगती है राजस्थानी। और किस तरीके से राजस्थानी ड्रेस के साथ मेकअप करना चाहिए और कैसे लगता है मेकअप, और किस तरीके से राजस्थान की औरतें वो ड्रेस पहन के इतनी भारी ज्वेलरी जैसे कान इयररिंग्स वगैरह सब पहन के, रखड़ी वगैरह पहन के, बाजूबन वगैरह पहन के किस तरीके से काम करती हैं। तो दिखाती हूँ कि राजस्थान में किस तरीके से ड्रेस पहनी जाती है। तो आप जरूर देखिएगा आज मेरा नया लुक राजस्थानी ड्रेस के साथ, और राजस्थानी ड्रेस के साथ साथ राजस्थानी मेकअप। हाँ, राजस्थान के सब लोगों को पता है कि राजस्थानी ड्रेस किस तरीके की होती है, तो उन लोगों के लिए है कि राजस्थानी ड्रेस के साथ मैं दिखाऊंगी आज मेकअप की किस तरीके से करना चाहिए मेकअप, जो कि बहुत सुंदर लगता है। ज्यादा हैवी मेकअप भी नहीं होती है, ज्यादा लिपापोती भी नहीं होती है, जो बहुत अच्छा लगने वाला है। तो आप देखिए, और जिन लोगों ने राजस्थानी ड्रेस नहीं देखी है जो बाहर के हैं, तो उन लोगों के लिए स्पेशल ड्रेस और मेकअप दोनों। तो आइए दिखाती हूँ आपको किस तरीके से करती हूँ राजस्थानी ड्रेस के साथ मेकअप, और कैसी लगती हूँ मैं खुद राजस्थानी ड्रेस में मेकअप के साथ। तो देखिए, पूरे फेस पे अब मैं अप्लाई कर रही हूँ सीरम, जो कि लेकमी का है, बहुत ही अच्छा है। मेकअप से पहले हमेशा सीरम जरूर लगाना चाहिए। और अभी मैं कंसीलर जो कि ले का प्रो HD कंसीलर है, जो कि अच्छे से ब्रश से मेरे को ब्लेंड करना है। अब उसके ऊपर देन मैं लगाऊं लेकमी का लूज पाउडर, जो कि अपने कंसीलर को सेट करने में बहुत अच्छी मदद करता है। अब मैं उडा ब्यूटी का आई शेडो अप्लाई कर रही हूँ, जो कि लाइट कलर है एकदम से, जो कि हल्के हल्के हाथों से अप्लाई करना है। देन उसके बाद मैं डार्क कलर अप्लाई करूँगी ब्राउन कलर का, जो मैं अभी लगा रही हूँ आउटर पे स्टार्ट करूँगी ये आउटर से, जो कि आई शेडो बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा है ये। और डार्क कलर लगाने से ही आई शेडो का थोड़ा सा, क्योंकि मेरा एक बेस लाइट है ड्रेस का और एक मेरा डार्क है, तो मैं थोड़ा सा डार्क जो ब्राउन कलर ले रही हूँ, मैं डार्क दिखने में ब्लैक लग रहा है। और अभी मैं हाइलाइटिंग लगा रही हूँ जो आईब्रोज के नीचे, वो है कुड की, जो इसका भी मेरे को ज़्यादा चमक नहीं दिखानी है, क्योंकि शेखावाटी मेकअप जो, और अभी मैं अप्लाई करने जा रही हूँ मेकअप जो है फाउंडेशन मेकअप स्टूडियो का, जो कि बहुत अच्छा आता है, लॉन्ग लास्ट टिकने वाला है और बहुत अच्छा है। इसकी तो बात ही क्या करें, फाउंडेशन तो गजब का है ये, जो कि मैं ज़्यादा नहीं, आपने देखा मैंने थोड़ा हल्का सा ही लगाया है। और उसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से इसको फेस पे लगा लेना है, अप्लाई करना है अच्छे से, और एकदम ध्यान से करना है, ज़्यादा वो हड़बड़ाहट नहीं। और गर्दन कान इन को बिल्कुल मत भूल जाना। कई लोग क्या कि फेस पे अप्लाई कर लेते हैं और भूल जाते हैं। तो अब मैं आईब्रो को फिल करूँगी, मेलानी का आईब्रो फॉर्मेट लिया है, जिसको मैं आईब्रो अच्छे से फिल करने वाली हूँ दोनों। और उसके बाद मैं लगाऊंगी आईलाइनर, जो कि मेरा मेकओवर का है, बहुत अच्छा आईलाइनर है और लॉन्ग लास्टिक टिकने वाला है। और मैं लोअर लेस पे लेकमी का काजल लगाऊंगी, जो इसको भी अच्छे से ब्रश से लगाऊंगी मैं, तो इसको भी अच्छे से लगा लेना है। मस्कारा जो मैं वेट एंड वाइल्ड का लेने वाली हूँ, जो कि लॉन्ग एंड लास्टिक ये भी है और वाटरप्रूफ है, जो कि इसको भी लोअर लेस पे भी लगाना है और ऊपर भी लगाना है, अच्छे से इसको लगा लेना है। और मैं आई लेसेस नहीं लगाऊंगी, क्योंकि ज़्यादा ये आई मेकअप नहीं है, नॉर्मल सा मेकअप है, तो मैं आई लेस नहीं लगाने वाली हूँ और न इसमें कोई कंटोरियल वगैरह करने वाली हूँ, क्योंकि नॉर्मल सा है ये, तो नॉर्मल मेकअप दिखाना है मेरे को। जो है मैं मेवलिन का अप्लाई करने वाली हूँ, जो मैं ब्रश से अच्छे से इसको अप्लाई करना है। और अभी जो आई लाइटनिंग है जो कर रही हूँ, वो फिंगर से लगा रही हूँ, मिस रोज का है, और फिर मैं इसको ब्रश से अच्छे से अप्लाई करना है। और मैं ज़्यादा ये नहीं लगा रही हूँ, नॉर्मल सा लगाना है, शेखावाटी की औरतें इतनी ज़्यादा लिपापोती नहीं करती मेकअप में, तो हल्का सा मैंने चिन चिक और इन पे लगा लिया नोज पे। तो अभी मैं ये जो लगा रही हूँ ब्लशर, जो कि ब्रश से अच्छे से अप्लाई करना है, ये भी जो मेरा है, ये भी मेरा मेवलिन का है, जो कि बहुत अच्छा है, मैं काफ़ी बार लगाती हूँ इसको, हल्का हल्का मैंने
फोरहेड पे, नीचे चिन विन चिक पे, सब पे हल्के से लगा लिया। और अभी मैं लगाऊंगी लिप आउटलाइन, जो कि ज़्यादातर इधर शेखावाटी में आउटलाइन ज़रूर लगाती हैं, और लेक में लगा रही हूँ वो मैं केमिया की लगा रही हूँ लिपस्टिंग, जो मैं डबल सेट देने वाली हूँ। नीचे मैंने थोड़ा सा कॉफ़ी कलर सा दिया, और अब मैं रेड कलर देने वाली हूँ, जिससे कि लुक एक बहुत अच्छा उभर के आने वाला है। लहंगा जो है वो वाइट कलर का है, इसलिए मैं वाइट कलर का जो ग्लिटर है वो लगाऊंगी हल्का सा कुडोस का, और मेरे कुडोस और कुड्स में कुछ फ़र्क होता है, माइंड मत करना। तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। और इसके बाद जो मैं स्प्रे लगाऊंगी, जो सेटिंग स्प्रे लगाने वाली हूँ, वो है कलरवार की, जो मेरी फेवरेट है। तो मेकअप तो आप देख रहे हो कि किस तरीके, और स्पन से इसको सेट करना है हल्के से हाथों से, तो मेकअप दे रहे हो कितना अच्छा लग रहा है। अभी बिंदी रेड कलर की क्या बात है, बड़ा अच्छा लुक आया है। लोगों को मैं दिखाना चाहती थी, तो ये राजस्थानी ड्रेस है पूरी, जो आप देख सकते हो इस तरीके से पहनते हैं राजस्थान में ड्रेस जैसे है, और इस तरीके के बाजूबंद पहनते हैं जो मैंने पहने हैं, और इस तरीके की चूड़ियां पहनते हैं। तो ये था आज का मेरा नया लुक, जो कि मैं एक राजस्थान से हूँ, और मेरे को राजस्थानी ड्रेस बहुत अच्छी लगती है। और अगर आपको मेरी राजस्थानी ड्रेस अच्छी लगे तो मेरे को कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको कैसी लगी मेरी राजस्थानी ड्रेस। तो दांत हाथी के दांत की चूड़ियां पहनती है, जो बहुत ज्यादा कॉस्टली आती है। इस तरीके की कान में जो मैंने पहने, इस तरीके के लंबे लंबे झुमके पहने जाते हैं, और ये इतना पहन के राजस्थान में, आज का तो टाइम चलो बदल गया, लेकिन इतना हेवी जो ड्रेस है, ये इतनी ज्वेलरी से पहन पुनवा के फिर क्या करती थी, औरतें गांव में पानी लाने के लिए जाती थी, घर का पूरा काम करती थी, तो किस तरीके से वो औरतें मेंटेन करती थी जो रोज़मर्रा में ड्रेस, और आज भी पहनती है, आज भी ऐसी ड्रेसें पहनती है, तो मेरी ये समझ में नहीं आती कि कैसे मेंटेन करती हैं भाई। आज भी अपनी हमारी राजस्थानी जो संस्कृति सभ्यता है वो अभी भी जिंदा है, और कई लोग उसको बहुत सजो के प्यार से रखते हैं, और ये चीज़ अच्छी भी लगती है। तो जहाँ के हम हैं वहाँ का अगर पहनावा पहने तो बहुत अच्छा लगता है, और जैसे मैं राजस्थान से हूँ तो मेरे को राजस्थानी पहनावा बहुत अच्छा लगता है। मेरे को राजस्थानी बहुत शेखावाटी, जैसे हम राजस्थान में शेखावाटी से, तो शेखावाटी पहनावा भी बहुत अच्छा लगता है, किसी दिन आपको बताऊंगी, लेकिन राजस्थानी पहनावा यही है। और जो अच्छा लगता है, अपन राजस्थान में रहते हैं, कभी कभी अगर वही ड्रेस अपन पहने तो बहुत अच्छी लगती है। तो ये था मेरा आज का नया लुक देव में, और लाइक तो देखो वही बनता ही है, तो लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और पास में जो टिंग टिंग वाला बटन है उसको भी ऐसे करके टिंग करके दबा देना, ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट आ जाए, और अपने दोस्त फैमिली फ्रेंड सब के साथ आप लोग शेयर जरूर, क्योंकि ये चीज़ मेरे से संभाली नहीं जाती है, क्योंकि ये चीज़ें अपन पहनते नहीं है ना, तो ये चीज़ें क्या है कि पहनते नहीं ना, तो संभालने में थोड़ी सी दिक्कत आती है।